मतलब शादी मेरी हो रही है, सारा काम तो ऐसे ही करना पड़ेगा कि मैंने तो ले लिया फैसला, मैं तो शादी कर रहा हूँ। अब पता नहीं क्या करेगी ये। क्या कुछ नहीं किया मैंने, सारी बेवकूफियां की, ऐसे आके बोल भी दिया, फिर भी ऐसे कर रहा है। मतलब कितने टेस्ट लेगा मेरे, ये तो गलत बात है शादी ना। हो रही है, मैंने कुछ तो हुआ होगा ना इतना कि मैं शादी करने पे उतर आया। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इसका छोटा सा दिमाग जो है, जिसका सिर्फ आधा पोर्शन काम करता है, वो फिर गया, और कुछ नहीं हुआ। मतलब ये सही है यार कि तुम पहले वो करो जो मैं चाहता हूँ। वीर जी को जाके बोल दो कि मुझे आपकी कोई परवाह नहीं, मैं तो अपने आशिक से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी। क्या बकवास है। ऑब्वियसली यार, तुम ऐसे लटका के कैसे रख सकती हो यार। मतलब पता है हिंदुस्तान में माना जाता है कि शादी दो, मतलब एक लड़का लड़की के बीच नहीं होती, दो परिवारों के बीच होती, और तुम मेरा परिवार ही हाँ, तोड़ना तो सबको चाहते बैठा दो हो। ना मंडप में, सबकी करा दो शादी, पैकेज फ्री, डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट ऑन मैरिज रितमपुरा में। मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं इसे मना लूंगी। इसमें इतनी गट्स ही नहीं है कि किसी और से शादी करे, कोई और इसको झेल ही नहीं गट्स सकती। की बात मत कर, गट्स की बात मत कर, कर सकता तो हूँ मैं मैं और दूसरी कोई शादी। झेल ही नहीं सकता। मैंने इसमें ये आई थी तभी मैंने बोला था बहुत अच्छी लग रही है, और जब भी सेट पे कोई अच्छा पहन के आती है नॉर्मल डेज में भी, आई मीन आई लाइक हर बेटर इन हर नॉर्मल क्लोथ्स, लाइक द कैजुअल वंस हाँ। एंड विदाउट लाइक लेस मेकअप एंड लेस हेयर स्टाइलिंग एंड एवरीथिंग। सो आई टेल हर दैट शी इज लुकिंग वेरी नाइस, वेरी चार्मिंग, वेरी यू नो वाइब्रेंट।